वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और आज यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर AEW के अंदर कोई ना कोई बड़ा डेब्यू होने वाला है, क्योंकि गाइस AEW का ये पेपर व्यू AEW का साल का आखिरी पेपर व्यू गए। और गाइस, क्योंकि हाल फिलहाल में WWE के अंदर से WWE ने काफी सारे रेसलर्स को रिलीज किया है, तो गाइस डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई रेसलर आज यहाँ पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू पर पॉसिबली डेब्यू करेगा। और बात करें अगर यहां पर इन रेसलर्स के डेब्यू करने की, तो गाइस यहां पर मेनली जिन तीन रेसलर्स के AEW के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर डेब्यू करने को लेकर रूमर चल रही है, वो तीनों और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल, जॉब डिगलर और मुस्तफा अली गए। वल्गार बात करें यहां पर मैट रिडल की, तो गाइस ऑलरेडी यहां पर रिडल के WWE से रिलीज होने के बाद मैट रिडल ने MLW के ऊपर उनका डेब्यू कंफर्म कर दिया है। बट गाइस इस चीज के तगड़े चांसेस है कि आज यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड के ऊपर टोनी खान पॉसिबली रिडल को AEW के अंदर शो अप करेंगे। बट गाइज अगर यहां पर रिडल नहीं आते गए, तो गाइज AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर मुस्तफा अली के आने के भी काफी चांसेस है, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन डेनिसन ऑलरेडी यहां पर अली को लेकर बातें कर चुके गए। और गाइज ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि ब्रायन डेनिसन किसी भी कीमत पर मुस्तफा अली को AEW के अंदर साइन करेंगे। और गाइज हो सकता है आज AEW का वर्ल्ड एंड वो पेपर व्यू को जहां पर मुस्तफा अली AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू करे। बट गाइस यहां पर जो फाइनल नाम आज AEW के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली उनका डेब्यू करने वाला है, वो और कोई नहीं बल्कि डॉब जिगलर होने वाले गए। वेल गाइस यहां पर जब से डॉब जिगलर को WWE से रिलीज किया गया है, तब से ही इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि AEW कंपनी पॉसिबली जिगलर को साइन करने वाली है, क्योंकि गाइस जिगलर के ब्रदर रायन नेमिथ ऑलरेडी AEW पर काम करते गए। और गाइस डेफिनेटली आज AEW के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर डॉब जिगलर के डेब्यू करने के सबसे ज्यादा चांसेस है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान आज AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर इन तीनों में से किसी को भी लाते हैं या नहीं।